हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग ऑन दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज पूरा फुल डे इन माई लाइफ शेयर करूंगी और आज का व्लॉग जो है क्वाइट इंटरेस्टिंग है। वी आर गियरिंग अप फॉर आर कैंपिंग डे टुडे एंड मॉर्निंग मैंने बहुत पीसफुल वे में स्टार्ट करी है। आज सिया का स्कूल भी है तो बस पहले मैं अपना एक ग्लास पानी पी लेती हूँ और फिर उसके बाद मैंने सिया के लंच बॉक्स की तैयारी जो है वो स्टार्ट करी है। तो ये बरेला का पास्ता का पैकेट रखा हुआ है, हाफ मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, सोचा कि आज इसका पास्ता बना देती हूँ। तो एक पैन में मैंने लिया है पानी और उसके बाद मैंने पास्ता डाल दिया है। इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी एंड लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चॉपिंग वगैरह कर ली है। ग्रीन एंड रेड वाली कैप्सिकम चॉप की है, पास्ता बॉयल हो चुका है और अलॉन्ग विद दैट अनियन ऑल्सो। ये क्लासिक ऑर्गेनिक पास्ता सॉस है, ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो इसको यूज़ करते हुए हम लोग अभी आज रेड सॉस वाला पास्ता बनाएंगे। और यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, अलॉन्ग विद दैट ये ऑर्गेनिक बेसिल लीव्स हैं ये ऐड कर रही हूँ कुछ, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को ऐड करके हम लोग सब्जियों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आफ्टर दैट मैंने पास्ता सॉस जो है ना वो भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इस बॉक्स में चिपका रह गया था, थोड़ा पानी भी उसके साथ मिक्स करके ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एडिंग सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट और हम थोड़ा सा ना इसको कवर करके कुक करेंगे सो दैट ये पूरा जो मसाला है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए। सो लुक एट दिस, काफ़ी अच्छे से सिमर हो गया है ये एंड देन मैं यहाँ पर बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हम चलाएंगे और एक मिनट के लिए और कवर करके कुक करेंगे एंड फाइनली हमारा पास्ता रेडी है। ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, साथ में मैं यहाँ पर अपनी मॉर्निंग की जो चाय बनने रख देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया है। चलिए सिया का लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ यहाँ पर। तो सिया के लिए मैंने पास्ता पैक किया है, थोड़े से ना फ्रूट्स रखूँगी और आज हम उसको ना एवरीडे के कंपैरिजन में 1 आवर अर्ली पिक करेंगे। तो फ्रूट्स एंड पास्ता इज़ ऑल सेट। यहाँ पर चाय भी हमारी खोल गई है और उसका वाटर बॉटल फिल कर देते हैं। सो सिया को स्कूल भेज दिया, सबका ब्रेकफास्ट डन हो गया। मैं ना एक राउंड लगाने के लिए सोसाइटी में आ गई हूँ, मौसम आजकल बहुत अच्छा होता है, वापस आके थोड़ा रिलैक्स किया। मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और फिर जो डेली के काम है वो फटाफट कर देती हूँ क्योंकि आज हमको कैंपिंग के लिए भी निकलना है। तो मैंने डिशवॉशर फिल कर दिया है, जाने से पहले ना सारे बर्तन डिशवॉशर में डाल के इसको चला के जाऊँगी और साथ में किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद मुझे करनी है थोड़ी बहुत पैकिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी कैंपिंग लिस्ट है तो मैं अपने और बच्चों के कपड़े और जो भी सामान है वो पैक करने वाली हूँ। ये मेरी कैंपिंग लिस्ट रेडी है। उसके बाद मैंने भूमि को रेडी कर दिया है, उसका हेयर वॉश भी कर दिया है एंड देन मैं भी रेडी हो गई हूँ फॉर द डे। उसके बाद मैं फटाफट से लगूँगी अपना जो सामान रखने में और सिया जो है उसके हेयर वॉश मैंने ऑलरेडी कल कर दिए थे। तो इस तरीके से हमारा आज का रूटीन चल रहा है। उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, इट विल बी अ वेरी बिजी डे टूडे।
और अभी मैं लंच बना लेती हूँ। तो लंच में आज मसूर दाल तड़का बनाऊंगी। इसका ना मैंने प्रेशर कुकर में ही तड़का तैयार कर दिया है, साथ में मैंने रोटियाँ बनाई हैं। तो अभी लंच में हम लोग रोटी खाएंगे अलॉन्ग विद दाल। और वहाँ के लिए ना कैंपिंग के लिए मैं थोड़ा सा ना दाल एंड राइस अलॉन्ग विद पिकल वगैरह हम लोग पैक करके ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम जाते ही हमें अब कैंप साइट सेट करनी होगी, तो जाते ही कुकिंग करने के लिए फिर अंधेरा भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दाल और राइस बना दिए, थोड़ा सा इनको ठंडा कर लूँगी। और जो पास्ता बचा था ना वो भी मैंने रख लिया है अगर स्नैक में किसी को खाना हो तो। और निकलने से पहले पूरा गैस वगैरह पोंछ देती हूँ, क्योंकि वापस आओ फिर किचन पूरा गंदा मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लीन अप कर दिया यहाँ पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हम लोग निकल गए हैं शिकागो से अपनी कैंपिंग साइट के लिए और हम लोग मिशिगन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस कार में पुष्पेंद्र मम्मी और मैं हैं, और ये कार फ्रेंड की कार है जो पुष्पेंद्र ड्राइव कर रहे हैं। ऑल्सो बच्चे जो हैं वो दूसरी वाली कार में हैं। तीनों को एक साथ ही बैठना था सो देट उनका मन लग जाए, तो वो लोग उस कार में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम तीन लोग हैं। और इस तरीके से हम लोग ड्राइव को इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ना अपना पहला स्टॉप लिया है, तो ये हमने शिकागो साउथलैंड लिंकन ओएसिस रेस्ट एरिया में लिया है। शाम के टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे अपने कैंप साइट पे, और यहाँ पे रेस्ट रूम्स वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरे, शावर यूनिट्स भी थे, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और यहाँ पर आके थोड़ा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद चेंज वेंज कर लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग सा। फिर अपने कैंप साइट पे आके टेंट वगैरह भी सेट कर रहे हैं पुष्पेंद्र एंड हमारे जो फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर हम लोग डीप वुड्स का ये ना मॉस्कीटो रेपेलेंट जो वो स्प्रे कर लें, क्योंकि आप जब कंट्री साइड एरिया में कैंप करते हो तो वहाँ पे मच्छर वगैरह भी हो सकते हैं, सो इट्स बेटर। तो हमने बच्चों को भी स्प्रे कर दिया है और ख़ुद भी स्प्रे कर लिया है, और पुष्पेंद्र और आदित्य मिलके दे आर सेटिंग अप द कैंप साइट। ऑल्सो कंट्री साइड एरिया में ना थोड़ा ठंडा भी होता है इन कंपेरिजन टू द सिटी एरिया, तो हम लोग हुडी वगैरह और फुल स्लीव्स कुछ कुछ लेकर आए थे क्लोथ्स, तो बच्चों को भी फुल स्लीव्स पहना दिया है और हम लोगों ने भी पहन लिया है। ये लोग थोड़ा साथ में प्ले कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड का बेटा है वो काफ़ी एक्टिव है और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो शाम है वो इंजॉय कर रहे हैं कैंप साइट पे। और फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था और टेंट वगैरह सब सेट हो गए, और मैं दाल चावल ऑलरेडी काफ़ी क्वांटिटी में बना के रख के लेकर आई थी, तो हमारा सबका डिनर इससे हो गया। और उसके बाद फिर रात को ना जब सब लोगों का सोने का टाइम हो रहा था, तो सिया वांटेड टू ईट दीज मार्शमेलोज, तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्शमेलो अलोंग विद द क्रैकर ये बनाए थे। ये काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगता है। तो पुष्पेंद्र ने थोड़े थोड़े मार्शमेलो जो है वो सेके और क्रैकर के बीच में एज अ सैंडविच की तरह लगा के खाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और स्पेशली सिया को बहुत अच्छा लगा, शी वॉज सो एक्साइटेड कि मैं अपने टीचर को अपने फ्रेंड्स को बताऊँगी कि मैंने इस तरह से इंजॉय किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इवनिंग एट द कैंप साइट। और फिर अंधेरा हो गया था ना, तो जल्दी ही यहाँ पे सोना पड़ता है क्योंकि सब लोग ही सोने स्टार्ट कर दिया था, सब लोगों ने। हमारे कैंप सेट हो गए हैं, एक टेंट में मम्मी और पुष्पेंद्र, एक में मैं सिया भूमि, और थर्ड वाले में आदित्य सौम्या उनका बेटा आद्यंत, वो लोग सो रहे हैं। और यू नो बहुत ही पीसफुल लगता है। ये हमारे टेंट के अंदर का व्यू है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको और डिटेल में दिखाऊंगी। तो हम लोग जा रहे हैं बस सोने के लिए। आप सभी को अ वेरी हैप्पी यू नो वीकेंड, और ओवरऑल इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये लाइफ टाइम मेमोरीज़ देते हैं हम सबको, और हमें डेफिनेटली इस तरह के एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में करने चाहिए, बच्चों को भी कराने चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेमोरीज़ उनके साथ हमेशा रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। बाय एवरीवन, गुड नाइट।
एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।